टीम इंडिया हियरिंग, म्यांमार, हांगकांग, श्रीलंका, नेपाल, तो भाई सारी टीमें हैं और भाई इधर कर रहे हैं रेस्ट, इसके बाद है अब वेट। थोड़ा लेट है, मेरा वेट है पहले भाई, यहाँ का वेट इतना है कि मशीन भी वेट ना ले पा रही है। भाई नितिन भाई करा रहे वेट और इसमें आ गया फेल, मशीन ही फेल कर दी, मशीन ही करा। लिमिट शायद इसकी कम है, तो भाई ये है अपना रूम, रूम बहुत अच्छा है। ये है अपना ड्राइंग एरिया बैठने का, ये इधर से है बालकनी है इधर भी, ठीक है, और ये अपना है बेडरूम, ये बेडरूम है, ये इधर भी बालकनी है, और ये है अपना वॉशरूम, सब चीज़ ओके है, बाथटब वगैरह सब है, ये अपनी अलमीरा है। तो भाई होटल बहुत अच्छा है, 5 स्टार है, और उसी हिसाब से इसके पैसे इंडियन मनी 14,000 कुछ में है, मतलब 15,000, ऑलमोस्ट 15,000 का है पर नाइट। चलो ये है अपनी कंडीशन, अभी तो भाई बॉडी थकी हुई है, बाकी बाद में दिखाते हैं वर्कआउट करने जाएंगे, अभी थके हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर करते हैं वर्कआउट। तो भाई जिम के लिए रेडी हो गए हैं पूरे, अब जा रहे हैं जिम, तो जिम थोड़ी दूर है यहाँ पे, तो नितिन भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैं सो गया था, थक गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब जिम करने के बाद फिर डाइट वाइट लेके करेंगे रेस्ट, क्योंकि बॉडी बहुत थक चुकी है, बट वर्कआउट करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि सुबह मैंने वर्कआउट किया नहीं है, तो वर्कआउट करूँगा तो नींद भी अच्छी आएगी, तो इसलिए अब करते हैं वर्कआउट। ओके, तो शोल्डर का वर्कआउट भाई करेंगे स्टार्ट, और सबसे पहले लेंगे चिन अप, और उसके बाद जो भी वर्कआउट करेंगे आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो पहले चिन अप से स्टार्ट करते हैं। इसके 4 सेट लेंगे, तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लगेगा रोड फ्रंट रोड, इसके 4 सेट और 10 से 12 रेपिटेशन। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बैक रोड, और ये शोल्डर पे मतलब जो पीछे का पार्ट होता है उसको बहुत अच्छा प्रेशर लाती है, ये अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें, इसके भी 4 सेट और 10 से 12 रेपिटेशन करें। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज अपनी डबल क्या करो, प्रेस, डबल प्रेस। तो अपनी थर्ड एक्सरसाइज है डबल प्रेस, इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन और 4। अपना नेक्स्ट वर्कआउट है फ्रंट रेस, इसका भी सिंगल हैंड से पहले 1 हैंड कंप्लीट करना है, उसके बाद अदर, तो इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट, मसल को कॉन्टेंट करना है। इसमें
अपनी साइड रेस और उसको जो कि डेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई साइड रेस आप लोग ऐसे मारते हो, किसी तरीके से मारते हो मुझे नहीं पता, बट ये एक टेक्निक है जिससे आपका जो बेल्ट की अपर शेप होती है यानी कि उठने वाला टाइम वो बहुत इंप्रूव होता है। और होता कैसे चल रहा है, एल्बो ऊपर थोड़ा सा आउट आउटफिट बाहर उस पर कंट्रोल डालते थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा रेपिटेशन मारने इसके कम से कम भी 15 से 20 रैप। हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रिप बहुत अलग तरह की है, तो हैवी वेट मत मारना, टेक्निक मारना, लाइट वेट से सिर्फ रेपिटेशन मारना, तब आपको मसल कॉन्टैक्ट आया कि हाँ भाई इसमें कौन सा मसल चल रहा है, दूर 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 फिर वापस आया इससे कहाँ आ रहा है बताइए, ये तो ये पार्ट आ रहा है मेरे, यही आना चाहिए भाई। फाइनली लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की कर दिया और मोटिवेशन देखो इसको तो सीरियसली बताओ, इसका कॉम्पिटिशन भी आने वाला है और तो और नितिन का कॉम्पिटिशन, नितिन को मोटिवेट करने के लिए नेपाल आ गया, भूखा प्यासा है, सिर्फ रोटी डाइट पे ओनली बॉयल चिकन ढूंढ के खा रहे हैं, कहाँ से अंडे मिल रहे हैं, कहाँ से चिकन मिल रहा है विदाउट सॉल्ट, और दोपहर में आ गया था, शाम को थोड़ा सा कुछ खाया और अब बज रहे अपने 8:30 और प्रॉपर जिम मार रहा है। तो फिर भाई करने वाला तो कहीं भी करेगा, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, है ना। ठीक है भाई, तो वर्कआउट आज का ही ख़त्म है यहाँ पे शोल्डर का, बाकी थोड़ा बहुत कार्डियो करेंगे तो हाँ वो तो आप लोगों को आता ही है, तो वीडियो का आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को मेरे को प्यार मिलते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शेयर को मेरे चैनल को शेयर करो, थैंक यू भाई। वर्कआउट के बाद अब है अपनी डाइट और ये रही डाइट, बॉइल्ड डाइट सैलेड और ये प्रोटीन, ये चिकन पूरे बफे सेट है, अब खा के लग रही है भूख, उसके बाद जाएंगे सोने।